गणतंत्र दिवस से पहले दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सेना ने यहां पर जैश के 3 आतंकियों को घेर रखा है। जानकारी की माने तो सेना ने आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर पूरे इलाके को घेर लिया है। वहीं आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलते ही सेना के जवानों ने उनके खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी एक घर में छिपे हुए हैं और जिसके चलते सेना ने आसपास के लोगों को मकान खाली करने को कहा है। और इसी बीच सेना ने जिन आतंकियों को घेर रखा है उनकी पहचान भी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार सेना ने जैश के कमांडर कारी यासिर को घेर लिया है। कारी यासिर पाकिस्तानी मूल का है और इस आतंकी पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में आम लोगों की हत्या का आरोप है। इसके अलावा दूसरे आतंकी का नाम बुरहान शेख बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये एक फिदायीन है। इस वजह से सेना बेहद सावधानी से ऑपरेशन चला रही है।